परचो है और कितना शानदार और भव्य मंदिर बनियोड़ो है। अगर आप देखो कदी बाढ़ में रावण हुए तो बायतूर मायने जको खेमा बाबा रो मंदिर है, देखो धोरा धरती रे बीच में और जोधपुर गढ़ई रे भाटे में इतो बढ़िया मंदिर बनियोड़ो है। और मैं निकलियोड़ो हूँ अबार राजस्थान री यात्रा माते और आपने दर्शन करवा रही हूँ। जितना भी राजस्थान रे मायने मंदिर है और अच्छी जगह है सबारा ई चैनल माते दर्शन वेला और के जिला मायने कई कई चीज़ा फेमस है और कई आपारी मारवाड़ी संस्कृति ही और के जिले की कई संस्कृति है। बूढ़ा बडेरा कीकर जीवन जीवता बूढ़ा बडेरा जीवन रमन इतो नेचो हो और अबे आ भागदौड़ जिंदगी है। तो आ सबारी बात मारी चैनल में आती रहला तो आज ही मारी चैनल ने आप सब्सक्राइब कर दो और आओ आपने दर्शन कराऊँ खेमा बाबा रा मंदिर बाड़मेर रा। आइए आपको आज दर्शन करवाता हूँ बाड़मेर के प्रसिद्ध खेमा बाबा जी। और बताया जाता है खेमा बाबा जी का जन्म धारणा धोरा जाकड़ जाति में काना राम जी इनके पिताजी का नाम था, रूपाबाई इनकी माताजी थी। और बताया जाता है कि जाखड़ जाट गांव बाईतू घरे काने अवतार धरा पवित्र धारणो फागण जट सोमार के दिन इनका जन्म हुआ। सोमार संवत 1932 महीने आपरो जन्म हुयो। और आओ बाईतूर महीने समाधि स्थल आपने दर्शन करावा। आम दिन महीना खूब भीड़ रहे लेकिन लॉकडाउन के कारण अब इतनी भीड़ नहीं है और आप दर्शन कर रिया हो सिद्ध खेमा बाबा रा मंदिर बायतू में। और मुख्य जो मंदिर बनियोड़ो है बीरा आपने दर्शन हो रिया है और आओ अट पुजारी जी है बहु बात करवा और आपने पूरे मंदिर दर्शन ना अवलोकन करवा। बहुत ही भव्य मंदिर खेमा बाबा सिद्ध बाड़मेर बायतू। जय खेमा बाबा री पुजारी जी। जय खेमा बाबा री। आप तो शुभ नाम कहीं है? मारो नाम प्रकाश है। प्रकाश जी स्थल लाठी समाधि स्थल मेन मंदिर वही है अपने बाईतू भोगजी में बाईतू स्टेशन खेमा बाबा मंदिर बाईतू भोगजी का बाईतू भोगजी। और बाईतू कितनी दूरी पड़ जाए मंदिर? 1 किलोमीटर रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन 1 किलोमीटर। और खेमा बाबा जी बहुत प्रसिद्ध सिद्ध पुरुष हुआ। आरो जन्म स्थान किए गाँव है? जन्म स्थान नौसर है। नौसर। नौसर आठों बाईतू कितो पड़े? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर। और नौसर महीने मंदिर बनी उड़े? सिंदरी में नौसर में हर जगह है, हर जगह जगह मंदिर बन उड़ा, जगह जगह मंदिर बनी उड़ा। लेकिन मुख्य मंदिर आप रहे हो? मेन मंदिर वही है समाधि स्थल वही है मेन। बिल्कुल सही। और कहीं परचो है मेन खेमा बाबा जी बताओ नी, मतलब जो परचर कारण आज खेमा बाबा जी नाम मतलब पूरी दुनिया मैंने प्रसिद्ध है कि नहीं या किसी पार्ट ले या कोई भी जरी लो पार लें तो खेमा बाबा नाम इतना थी बंदो या बुद्धि लगा लो या और घर बैठा भी नाम लें और सम्मान करे तो बार सही जाए। क्या मेला क्या क्या भरी जाए आप रे? अरे भादरवा में भादरवा सुधी आठम और माँ सुधी आठम सौंदर्य पर भरी जा करे एक साल में दो बार। अच्छा एक साल में दो बार भरी जाए, एक तो भादरवा में एक माह में? एक माह में। बहुत बढ़िया। एक बार आप बड़े नाम बताओ उनका नाम? प्रकाश है सर। अच्छा प्रकाश जी। सोनाराम जी बैठो हूँ। सोनाराम मारदा दे पोते ले रात तक तक मेरे पूजा पूजारी। अच्छा खेमा बाबा पूजारी ठीक है। तो बहुत ही सुंदर देखिए आप दर्शन कर रहे हैं खेमा बाबा जी का मंदिर बायतू बाड़मेर। और कैसे लग रहे हैं आपको दर्शन? आप जरूर मेरे इस चैनल से भी जुड़े और राजस्थान में मैं यात्रा करके जितने भी प्रसिद्ध और धार्मिक स्थल है उन सब के दर्शन कराऊंगा। और आइए चलते हैं। और बायतूर कने बनियोड़ो है खेमा बाबा रो प्रसिद्ध मंदिर अणेश्वर धाम। तो आओ अणेश्वर धाम रा आपने बहुत ही भव्य दर्शन करावा और बहुत ही भव्य मंदिर बनियोड़ो है अणेश्वर धाम। और आओ अणेश्वर धाम रा दर्शन करावा। देखो कितो शानदार मौसम है बाड़मेर महीने और इतो बढ़िया अबार अठे बाड़मेर महीने मौसम है। हमार चले आपन ठाए राजस्थान महीने चमासो और चमासेर महीने इतो बढ़िया मौसम चले बाड़मेर महीने। और अबार आज बारिश संभियोड़ी है बाड़मेर में बारिश होने पूरी संभावना है। और मैं अबार हूँ खेमा बाबा रो प्रसिद्ध मंदिर है बायतूर महीने और अरणेश्वर धाम आठ आयोड़ो हूँ। तो आपने खेमा बाबा रे मंदिर का दर्शन कराऊँगा। आप देखो बायतूर महीने में गियो और जटे खेमा बाबा रे समाधि है उठारा दर्शन करवाया और एक गृहस्थी ऊपरा और इतना बड़ा बारा खेमा बाबा रा पर्चा है आठ अबार मंदिर महीने आप पुजारी जी हूँ वही जहाँ पुजारी जी हूँ बात करावा जगह भी आपन आठ मंदिर में मिली बहु बात करावा। और कहीं खेमा बाबा अटारो परचो है और कितना शानदार और भव्य मंदिर बनियोड़ो है। अगर आप देखो कदी बाढ़ में रावण हुए तो बायतूर मायने जो खेमा बाबा रो मंदिर है, देखो
धोरा धरती रे बीच में और जोधपुर गढ़ई रे भाटे में इतो बढ़िया मंदिर बनियोड़ो है। और मैं निकलियोड़ो हूँ अबार राजस्थान री यात्रा माते और आपने दर्शन करवा रही हूँ। जितना भी राजस्थान रे मैंने मंदिर है और अच्छी जगह है सबारा इस चैनल माते दर्शन वेला और के जिला मैंने कई कई चीज़ा फेमस है और कई आपारी मारवाड़ी संस्कृति ही और के जिले की कई संस्कृति है। बूढ़ा बडेरा कीकर जीवन जीवता बूढ़ा बडेरा जीवन रमन इतो नेचो हो और अबे आ भागदौड़ जिंदगी है। तो आ सबारी बात मारी चैनल में आती रहला तो आज ही मारी चैनल ने आप सब्सक्राइब कर दो और आओ आपने दर्शन कराऊँ खेमा बाबा रा मंदिर बाड़मेर रा। बहुत ही शानदार देखो आज मैं हूँ बाड़मेर महीने और बाड़मेर अगर आप निवासी हो तो आप सब भी निवेदन है कि आप बाड़मेरी धरा धरती रा खेमा बाबा जी हुआ और मारो प्रसिद्ध मंदिर दर्शन करवा रही हूँ। इरे खुशी रमाइन आप चैनल ने भी सब्सक्राइब कर दो और सब मित्रा साथ शेयर भी करो कि योगी पुकराज राजस्थान जर्नी चैनल माते खेमा बाबा मंदिर दर्शन करवाया। और गढ़ाई रमाइन कितो भव्य और सुंदर मंदिर बनियोड़ो है देखो बाड़मेर बाईतुर मैंने और खूब सारा भगत लोग आ रहा है दर्शन कर रहा है खेमा बाबा रा और कितो भव्य मंदिर बनियोड़ो है। आओ आपने दर्शन करावा खेमा बाबा रा मंदिर रा और मंदिर मेन गेट बंद है लेकिन गेट रमा कर आपने खेमा बाबा रा दर्शन करावा। देखो कितो सुंदर मंदिर दर्शन हो रहा है और ये देखो आपने दर्शन हो रहा है खेमा बाबा जो को मुख्य मंदिर है अन्नेश्वर धाम में और जगह अखंड ज्योत लागे बीरा भी दर्शन हो रहा है। बहुत ही सुंदर अबार मंदिर मेन पट द्वार है वो बंद है और लॉकडाउन के कारण लेकिन बहुत ही सुंदर दर्शन देखो आप खेमा बाबा मंदिर कर रहा हो। खेमा बाबा रे दर्शन करते टाइम अट इरी गाँव रा खड़ा है आन पूछा खेमा बाबा मंदिर के बारे में तो बाबा जी आप नाम कहीं है? मेरा नाम धुड़ाराम है। धुड़ाराम जी गोदारा मंदिर जगह रो नाम है ओ और मैन क्या किया लोग है जगह खेमा बाबा अगर फेरी बोले तो सियाई गए और तो खेमा बेगो है जीवित परसो है अरणेश्वर धाम को बाबे के अरणेश्वर धाम नौ है अन्य कोई परसो है अन्य दी जगह कोई अच्छा अन्य जो आठ परसो हुई हो हाँ और खेमा बाबा जी समाधि स्थल की जगह समाधि बाईतु अच्छा बाईतु में समाधि स्थल है बाईतु विश्व में समाधि है और बाबे जलम है बढ़िया दौरा कौन है भाई धारणा दौरा बाई तुम कितो पड़जी है बाई तुम वही 5 किलोमीटर है 5 किलोमीटर मतलब यह जगह परचा है लगभग बाई तुर आए पाई आए पाई है जटे खेमा बाबा गया उठ सब जगह है परचा मेन तो है तीन है एक तो है बाबे के जीवित परसों अन्य रजदाम और एक है हमारी बाई तु एक धारणा दौरा आपकी जन्म भूमि है और बाकी सब जितना भी परचा हुआ या भगतान श्याय हुई बे हां इस तरह हमें आप गणेश नहीं है मंदिर गणेश इनाम से ना गणेश मंदिर पण है बिल्कुल सही कोई पीड़ा हो बाबे के दम झट तो वो खास गुजरी आती वो को आती वो किंग संतान नहीं वो कोई प्रकार की कोई जहरीला जानवर हां जहरीला जानवर सांप काट ले बर्ड काट ले बाबे की तौदी मंदिर आवर और ए मैन आपर ये मालणी में सबों ज्यादा प्रसिद्ध है आपर खेमा बाबा बहुत बढ़िया बाबा जी ए जानकारी दी आपने बहुत बहुत धन्यवाद और आप देखो कितो शानदार देखो मंदिर बनियोड़ो है और आप अबे अगर चमासेर महीने आ नाटे देखो बाड़मेर महीने जना चारों तरफ अंकल फुल जमन उड़ो तो बाबा जी ओ जमानो तो अंकल घणो ही उड़ो जमानो 20 साल हो गए जगह बाबा लगते ही आवे अच्छा लगते ही 20 साल लगते 20 साल हो गया पहली पुराने टाइम क्या होता कि भाई जमाना काल घना पड़े तो पहला हथकड़ी पड़ती है हमके तो बाबे की बोले जो मारे तो ढावे बिल्कुल सही कितना बरस होगा थारे हमें तो ये काल को देख उड़ो 20 साल हो गया जगह पर काल नहीं पड़े तो नहीं पड़े बत्ती ऊपर से काल है कौन अच्छा बत्ती जो ऊपर काल देखियो कौन बिल्कुल सही देखो पुराने टाइम में बात किया कह रहे कि छपना काल पड़िया छिनवा काल पड़िया लेकिन बाबा जी कहे कि भगवान खेमा बाबा की इतनी कृपा हुई है कि लाल 20 साल हम कोई काल देखियो को ना नहीं देखियो सही और इन बार जमाना बढ़िया उड़ा आगेड़ो बरसात घनी है
दौन गणाई है बाजरी है बाबे की लहर है। बिल्कुल सही, बहुत ही सुंदर। और आओ आगे चला और आपने राजस्थानी जर्नी में दर्शन करवाऊँ। और आप देखो खेमा बाबा मंदिर मैं दर्शन करवाया हूँ, बहुत ही सुंदर दर्शन हुआ है यहाँ पर है। और अरणेश्वर धाम खेमा बाबा रे बाई तुर कने इस गाँव में बनियोड़ी ईरा दर्शन करवाया आपने। खेमा बाबा रे समाधि स्थल है बाई तू गाँव रे मई ने उठारा दर्शन करवाया और उठार पुजारी जी आपने बात कराई कड़ाक लगा आपने खेमा बाबा रे मंदिर का दर्शन। आप कमेंट करो जरूर बताइजो। और आप रे गाँव रे कने भी कोई प्रसिद्ध धाम है या ऐडी कोई धाम है कि भाई मारे चैनल में माता आनी जोई जे तो आप कमेंट में जरूर लिख जो और आज ही मारे चैनल में जुड़ जाइजो। और मैं राजस्थान री आपने घर बैठो यात्रा कराऊँगा और पूरे राजस्थान का दर्शन कराऊँगा। और कहो हो आप राजस्थान और हमें कितु बदलाव आयो राजस्थान में और बोई बाड़मेर है जगह बाड़मेर मैंने धोरा धरती हा और झुंपा बनियोड़ा हा बाकी दूर दूर तक की नहीं देखतो लेकिन अब आप देखो मैंने फॉर्चुनर और स्कॉर्पियो नीचे बात नहीं करे। और हाईवे देखो इतनी शानदार अटारी रोडम बनियोड़ी है और कितु चेंज हुई है आप मारवाड़। तो इनी तरह मैं राजस्थान में घूम और आपने दर्शन कराऊँगा। और आप राजस्थान जर्नी चैनल ने सब्सक्राइब कर दीजो। ईश्वर धामू प्रसिद्ध है और अन्य वो जो पेड़ है जगह पेड़ के पत्ता अगर ढाई पत्ता जीमने हूँ जकी भी आप कष्ट है बीमारी है और आप काया रमाई ने अगर कोई कले क्लेश है तो सब दूर हुए और बहुत ही सुंदर आप दर्शन कर लिया। और ये अन्नेश्वर माँ जो मंदिर बनियोड़ो सिद्ध खेमा बाबा जीरो ये मंदिर में आवा जना है दर्शन हुए और कितना सुंदर दर्शन हो रहा है। देखो आप नाग देवता का दर्शन हो रहा है और बहुत ही शानदार दर्शन कर रिया हो आप खेमा बाबा रो मंदिर बाड़मेरू। और देखो मंदिर कने जो अन्य जो पेड़ है भी पेड़ रहा भी दर्शन हो रहा है और खेमा बाबा मंदिर बनियोड़ो है भी मंदिर मैनी अन्नेश्वर और ये पेड़ के कारण ही खेमा बाबा रे मंदिर नाम अन्नेश्वर खेमा बाबा धाम पड़ गयो। और अगर आप कदी अगर प्रसाद नहीं बोलड़ी हुए नहीं तो यूं भी कदी आओ और दर्शन करो खेमा बाबा रे मंदिर रा इतो भव्य मंदिर बनियोड़ो है। और ए दर्शन करिए आप खेमा बाबा रे जो अन्नेश्वर धाम है बाई तुर कने भी मंदिर रहा और इन पहले आप समाधि स्थल बाई तू गाँव में दर्शन करिया। और आओ आगे चलना राजस्थान की यात्रा माते और आपने खूब मंदिर का दर्शन करवा और इनी तरह पूरे राजस्थान में घूम और मैं खूब ऐडा मंदिर का दर्शन करूँगा जगह आप घर बैठा दर्शन करो और अपने आपने जीवन ने धन्य बना सको कि मारवाड़ महीने भी इतना बड़ा प्रसिद्ध मंदिर हुआ। आओ राजस्थान जर्नी करा और धन्यवाद।